यूं तो कोरोना काल में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस खतरनाक महामारी की चपेट में आए थे, जिसमें एक्ट्रेस काजोल भी नहीं बच पाई थी, जो कि कोरोना पॉजिटिव रही थी, जिसके चलते इन्हें हॉस्पिटल में क्वारंटीन कराया गया था। और उस वक्त परिवार वालों के साथ साथ बेटी नियासा देवगन का भी रो रो कर बुरा हाल था, जो अपनी माँ की सही सलामती की दुआएं मांग रही थी, जो की पूरी भी हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी माँ की बीती बीमारी को लेकर अब नियासा देवगन ने एक ऐसी बात बोल दी है जिस पर लोग हैरानी जता रहे हैं। तो ऐसा क्या कहा है इन्होंने, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बीते साल बी टाउन के सभी सितारे कोविड-19 को लेकर काफी परेशान थे, जिनमें से कुछ इस बीमारी से संक्रमित भी हुए और उनके साथ साथ एक्ट्रेस काजोल भी इस कंडीशन से गुजरी थी, जिन्हें कुछ दिनों के लिए इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जिसके चलते पूरे देवगन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर के सभी सदस्य परेशान थे, वहीं बेटी नियासा देवगन तो पागल ही हो गई थी, जो अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। पर ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि काजोल बच गई, जिन्होंने अपनी सहनशीलता दिखाते हुए मौत को भी मात दे दी थी। हालांकि ये टाइम गुजरे तो काफी वक्त हो चुका है, पर अब नियासा देवगन ने अपनी माँ की बीती बीमारी को लेकर एक ऐसी बात बोल दी है जिससे सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ, खबरों की माने तो नियासा ने माँ की बीमारी को लेकर कहा कि मेरी माँ को कोई बीमारी नहीं हुई थी, वो तो फालतू में बीमारी का ढोंग रचा रही थी, वो भी सिर्फ घर के कामों से कुछ दिन छुटकारा पाने के लिए। मेरी माँ ने ऐसा करके हम सबको टेंशन में डाल दिया था, जो कि बहुत गलत था। मैं इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिस वक्त मुझे पता चला कि वो कोरोना से जूझ रही है, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ और मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूं। लेकिन उनकी इस बेहुदा हरकत करने के चलते आज मुझे उनसे नफरत होने लगी है। इन्होंने जो मजाक किया है, एक दिन इन्हीं पर बहुत भारी पड़ने वाला है। मुझे तो ये बात कहने में भी शर्म आ रही है और काफी बुरा भी लग रहा है। ऐसा कोई करता है क्या? वेल दोस्तों, आपको नियासा की इन बातों पर भरोसा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।